ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो फोर्स है दोस्तों, ये इतना विजिबली इस तरह से क्लियर नहीं होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसलिए हम लोगों को स्पेशल यहाँ पे अटेंशन देने की जरूरत है कि ये कब लगता है और किस तरह से हम इसको अकाउंट में लेते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो समझ लीजिए कि जैसे आपके पास एक रॉड है और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद सर्टन एंगुलर वेलोसिटी। और मान लीजिए इस रॉड पे एक स्लाइडर है और जैसे जैसे ये रॉड रोटेट हो रही है, मान लीजिए रॉड यहां पहुंची रोटेट होके, तो ये जो स्लाइडर है दोस्तों ये यहां पे पहुंच जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से आपको एक्सेलरेशन यहां पे समझ में आ रहा है? तो एक एक्सेलरेशन तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड द सेंटर। अब क्या इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन आपको समझ में आ रहा है? विजिबली इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे चीजें तो आप पाएंगे कि दोस्तों यहां पर मान लीजिए ये R1 रेडियस है और यहां पे मान लीजिए ये जब ऑब्जेक्ट वहां पहुंच गया थोड़ी देर में तो ये R2 हो गया। R2 जो है R1 से बड़ा है, तो दोस्तों यहां पर जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं यहां पे, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी दोस्तों वो होगी R1 ओमेगा, और यहां पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वहां पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो R2 ओमेगा भी होगी। अब आप देखेगा कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये इक्वल तो है नहीं। क्लियरली इस केस में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी सेकेंड पॉइंट पे है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी फर्स्ट पॉइंट से ज्यादा है, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो गई? क्लियरली ये जो स्लाइडर है एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो फोर्स दोस्तों कोरियोलिस फोर्स यहां पर है। ऑलराइट, क्लियरली यहां पर एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ तो है ही, जिसकी वजह से यहां पर एक वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन यहां पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ये भी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से जब इसने अपना रेडियस चेंज किया, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो जो एक्सेलरेशन होगा वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्रिएट होगा। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है दोस्तों। तो अगेन मैं आपको यहां चीजें क्लियर कर देता हूं कि कोरियोलिस फोर्स उस सिनेरियो में लगता है जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट है वो मान लीजिए अपना जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो चेंज कर रहा है व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। और ये कोरियोलिस फोर्स दोस्तों बहुत जगह यूज होता है। इनफैक्ट हमारा जो अर्थ है वो भी रोटेट तो कर ही रहा है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है ऑलराइट, और ये अर्थ इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है दोस्तों, और मैं मान लीजिए यहां पर हूं और मैं अगर यहां से ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंचा, तो मेरी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दोस्तों वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। आई एम गेटिंग क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसी तरह से ये सिनारियो भी है। राइट, तो मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाता हूं, मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं जिसकी वजह से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज। तो अब देख लीजिए यहां पर जो रॉड की पोजीशंस यहां पे बताई हुई है दोस्तों, रॉड पहले पोजीशन वन में था और जैसे जैसे रॉड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ये स्लाइडर जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे स्लाइडर एक्सिस रोटेशन के पास था उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कम थी, सेकेंड मूवमेंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो ऐसे ऐसे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती चली गई। तो ये डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन और दैट फोर्स इज कोरियोलिस फोर्स। अब लेकिन अगर आप समझ लीजिए कि अगर
आपको इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको समझना है। मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो रॉड के साथ रोटेट कर रहा है। अगर आप रॉड के साथ रोटेट कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लाइडर है रेडियली बाहर जाते हुए दिखेगा। तो आपको कोरोलिस फोर्स या कोरोलिस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉट ओनली आपको इधर पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर आउटवर्ड लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक कोरोलिस फोर्स का भी सूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा दोस्तों। ऑलराइट, तो चलिए हम ये तो समझ गए हैं कि कोरोलिस फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। ऑलराइट, इसका डायरेक्शन हमारा टेंजेंशियल होगा। तो इस कोरोलिस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी ये जानने के लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल स्टडी कर लेते हैं। राइट, ये कोरोलिस फोर्स आपका, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो कोरोलिस फोर्स है ये कोरोलिस फोर्स इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द रॉड एंड द स्लाइडर। उस कोरोलिस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू टाइम्स कोरोलिस फोर्स विल बी द फ्रिक्शन अलोंग द रॉड। ऑलराइट, तो ये तो दोस्तों इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली समझा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये आप मान लीजिए कि ये आपका रॉड है। राइट, ये आपका रॉड है, ये रॉड रोटेट कर रहा है समझ लीजिए। राइट, और विद एंगल वेलोसिटी ओमेगा रोटेट कर रहा है, और स्लाइडर पहले यहां था, अब स्लाइडर यहां पहुंच गया। राइट, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस आप आर वन ले लीजिए और ये डिस्टेंस आप आर टू कंसिडर कर लीजिए। ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू। राइट, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि हम लोग यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, तब हमको ये मानना पड़ेगा और एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये बहुत छोटा है। अब वो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, सो ये एंगल थीटा इज क्लोज टू जीरो। अब यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आर वन ओमेगा है और यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आर टू ओमेगा हो गई। आर टू ओमेगा थोड़ी ज्यादा होगी तो इसका जो वेक्टर का लेंथ है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। राइट, तो ये जो वेलोसिटी है दोस्तों ये आर वन ओमेगा हो गई और ये वेलोसिटी हो गई आर टू ओमेगा। राइट, अब अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है दोस्तों तो हम लोगों का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो लेंथ है इसको आप मान लीजिए डेल्टा आर, डेल्टा आर जो कि आर टू माइनस आर वन है। राइट, और ये वेलोसिटी हो गई पॉइंट नंबर टू पे मेरी आर टू ओमेगा। पॉइंट नंबर वन पे जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम होगी, उसको मैं आर वन ओमेगा ले लेता हूं। ये हो गई आर टू ओमेगा और ये वेलोसिटी हो गई आर वन ओमेगा। तो मेरी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई दोस्तों, मेरी जो चेंज इन वेलोसिटी हुई वो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द वेक्टर हो गई, क्योंकि डेल्टा थीटा इतना छोटा है कि आर वन ओमेगा और आर टू ओमेगा पैरेलल वेक्टर की तरह दिखेंगे मुझे। तो ये जो लेंथ है दोस्तों, ये लेंथ जो मेरी चेंज इन वेलोसिटी है वो हो जाएगी आर टू ओमेगा माइनस आर वन ओमेगा। ऑलराइट, सो इसको मैं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन टाइम्स ओमेगा, और आर टू माइनस आर वन को चलिए हम डेल्टा आर लिख देते हैं, डेल्टा आर इंटू ओमेगा। अब यहां पर रेडियल जो वेलोसिटी है दोस्तों, जब ये स्लाइडर आगे की तरफ जा रहा है तो एट एनी मोमेंट इंस्टेंटेनियसली मान लीजिए उसकी वेलोसिटी वी है,
तो डेल्टा आर क्योंकि बहुत छोटा है, मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा आर वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी है। हालांकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मेरा जो चेंज इन टाइम है, जो अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा हूं, इट इज वेरी मिनिस्कल। सो डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा आर को मैं रेडियल वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं। जो रेडियल वेलोसिटी है उस इज वेलोसिटी एट दैट मोमेंट जब मैं कोरिओलिस फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो डेल्टा वी हो गया तुम्हारा वी आर डेल्टा टी इंटू ओमेगा। तो यहां से दोस्तों डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमारा आ गया रेडियल वेलोसिटी इंटू ओमेगा। ऑलराइट, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ है जो कि टेंजेंशियल है। तो ये एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह हम बोल सकते हैं। अब यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देने के लिए सोचना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों ना सिर्फ हमारा जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जो रेडियल वेलोसिटी है दोस्तों, वो जो रॉड के अलोंग ऐसे स्लाइड कर रहा है उसकी वजह से भी आ रहा है। तो वो कितना है और किस डायरेक्शन में है, चलिए वो भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सो आप मान लीजिए कि ये वेक्टर, क्योंकि मेरा डेल्टा टी बहुत स्मॉल लिया है मैंने, तो मैं रेडियल वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले रहा हूं, तो एंगल छोटा है और रेडियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा रेडियल वेलोसिटी पहले अलोंग द रॉड था, हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा था, वो मान लीजिए वी आर ऐसे है, अब मेरा वी आर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है और ये एंगल समझ लीजिए आप डेल्टा थीटा हो गया। ऑलराइट, तो अब मैं आपको इधर पे समझाता हूं कि यहां जब ये रेडियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी देर इज एन एक्सेलरेशन, और वो कैसे निकालेंगे आप? आपको सिंपली ये वेक्टर निकालना है दोस्तों। ये वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर माइनस दैट वेक्टर। हालांकि मैग्नीट्यूड इक्वल है रेडियल वेलोसिटी का, क्योंकि अमाउंट ऑफ टाइम इज स्मॉल, बट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज तो हुआ है, तो उसकी वजह से दोस्तों ये आपका डेल्टा वी रेडियल आ गया। और आप देखेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन ही है। ऑलराइट, तो एक एक्सप्रेशन इसकी वजह से भी आएगा जो कि आप कैसे लिखेंगे, ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन वन ले लीजिए आप इसको, सेकंड एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा वी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ऑलराइट, अब आपको यहां पर डेल्टा वी आर निकालना है। तो दोस्तों आप इधर पे एक चीज देखेंगे कि जो डेल्टा थीटा है, जिस तरह से हम एंगल डिफाइन करते हैं, आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि जो एंगल होगा वो आर्क लेंथ डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाई जो रेडियल वेलोसिटी है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो डेल्टा वी आर जो दोस्तों हमारा न्यूमरेटर में आया यहां पे, वो हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इंटू वी आर, और डिनोमिनेटर में डेल्टा टी आएगा। राइट, तो यहां पर क्लियर कट दोस्तों जो सेकेंड टर्म है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो आता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कितना हुआ दोस्त? ओमेगा हो गया, ओमेगा इंटू वी आर हो गया। तो आप देखेंगे कि क्योंकि क्योंकि ये जो स्लाइडर है अपना रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन चेंज कर रहा है, उसकी वजह से आपके दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन रहे हैं, एक क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, और दूसरी क्योंकि जो रेडियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का सम होगा, और वो जो एक्सेलरेशन है वो दोस्तों कोरिओलिस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना के समराइज कर देता हूं। दोस्तों कोरोलिस फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो आएगा इन दोनों का सम, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, दोनों का सम हो गया टू टाइम्स
रेडियल वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो कोरियोलिस फोर्स कितना हो जाएगा? कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा दोस्तों मास टाइम्स कोरियोलिस एक्सीलरेशन, सो 2mvr इनटू ओमेगा। ऑलराइट, तो ये दोस्तों थोड़ा सा समरी है कोरियोलिस फोर्स को लेके। अब यहां पर हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे सवाल लेके आएंगे जिसमें कोरियोलिस फोर्स का यूसेज हो रहा है। इनफैक्ट जेई एडवांस में भी कुछ 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 टाइम, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द कोरियोलिस फोर्स। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये तभी यूज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है अपना रेडियस चेंज कर रहा है वाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। लेकिन अगर रेडियस फिक्स है और ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रेडियल वेलोसिटी है दोस्तों वो टर्म जीरो हो जाएगा। तो रेडियल वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कोरियोलिस फोर्स के बारे में टेक केयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ सवाल लेके आएंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका और सॉलिड हो जाए। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।